नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव एक स्कूल के निजी उद्घाटन के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्कूल का फीता काटकर उद्घाटन किया। वही भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इटावा जनपद के शिवपाल सिंह यादव एक स्कूल के उद्घाटन के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की गलत निर्णय के वजह से जनता काफी परेशान है। मोदी सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन को लेकर गलत निर्णय लिया है, जिसकी वजह से जनता आज तक काफी परेशान है। मोदी सरकार के द्वारा जितने भी पैसे लिए गए हैं, सभी फैसले बेबुनियाद साबित हुए हैं। शिवपाल ने कहा, पार्टी बनाने के बाद हमारे लोग कहते थे कि हम भाजपा की बी टीम है। मेरे पास भाजपा का ऑफर भी आया था, लेकिन हम नहीं गए। आज भाजपा से कोई खुश नहीं है। प्रदेश और देश में भ्राष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पीसी टावास राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। कानून तो पहले ही बहुत है, और ये देखिए, नैतिक शिक्षा देना चाहिए। जो मैंने अभी कहा कि पढ़े लिखे लड़कों से लेकर के जो आज भी समाज में बहुत अशिक्षित लोग हैं, शिक्षा पे जोर देना चाहिए, नैतिक शिक्षा पे जोर देना चाहिए। इस पे ज़रूरत है, इस पे ज़्यादा ज़रूरत है। अब कानून तो बहुत पहले ही से बने हुए हैं सजा देने के लिए, उन्हीं का पालन करा दो तो बहुत अच्छा है। भतीजे ने और भतीज बहू ने खूब पैर छुए, बुआ धोखा दे रही है, क्या लगता है आपको? मेरी समझ में कुछ आया ही नहीं, बहन जी, बुआ, भतीजा, मेरी समझ में तो ये आया नहीं कुछ बात तुम्हारी। जो पहले की पार्टी थी, गठबंधन करके बुआ भतीजे की पिछले इलेक्शन लड़ी, इस बार तो बुआ दूसरे खेमे में जा रही हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, बहन जी के बारे में जो बात कर रहे हो, बहन जी नाम लेते तब तो ठीक था। तो बहन जी का तो इतिहास हमेशा ऐसा ही रहा है। देखिए, पहले तो जो उन्होंने नेताजी के लिए भी बोल दिया है बहन जी ने, और शायद आज के समय में नेताजी सबसे सीनियर, सब सम्मान भी करते हैं किसी भी पॉलिटिक्स में हो। पहले तो नेताजी ने भी, नेताजी की वजह से बहुजन पार्टी वहां पर पहुंची थी, तो नेताजी की पीठ में छुरा भोंका था। अच्छा, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तो तीन बार इनकी सरकार बनाई, उनकी भी पीठ में पहले छुरा भोंक चुकी हैं। और फिर देखिए तुम्हारे विधायकों पर भरोसा नहीं अपने पर, विधायक छोड़ छोड़ करके पहले चले गए थे 2003 में, अभी चले गए विधायक छोड़ के, अभी विधायक उन्हीं के तो छोड़ के गए। तो फिर हर तरीके से अगर विधायकों का शोषण होगा, लेन देन से लेकर के, टिकट से लेकर के, तो पहले अपनी सोचें ना, ऐसा क्यों है कि अपने विधायक छोड़ के जाते हैं? क्यों विधायकों का शोषण होगा? दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपना गृहवान देखें, पहले अपने विधायकों को सोचना चाहिए था क्यों जा रहे हैं शोध छोड़ करके। मायावती अगर भाजपा के साथ जाती हैं तो क्या लाभ मिलेगा भाजपा को इससे 22 में? अब ये तो रिजल्ट बताएगा, फिर रिजल्ट बताएगा। अगर समाजवादी पार्टी का और इनका हुआ था तो किसी को लाभ नहीं हुआ है? अब बचा ही नहीं उनके पास। मोहसिन रजा ने कहा है कि सपा और कांग्रेस मिलकर कट्टरपंथी मुसलमान पैदा करते हैं, इन्होंने ही बनाए हैं। देखिए।